पल की जानकारियां हम तक दे रहे हैं। अस्सी चौराहे से रामगोपाल द्विवेदी ने जिस तरीके से लगातार जानकारियां दी, आस्था कौशिक भी यहां पर जानकारियां दे रही हैं। वो लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर पर मौजूद हैं, जो कि इस रोड शो का आखिरी पड़ाव है। आस्था, मैं आपके पास आ रहा हूं। जाहिर तौर पर पिछले कई मिनटों से अगर हम देखें, काशी के लोग पिछले कई घंटों से लगातार सड़कों पर हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, इस रोड शो के साक्षी बनने के लिए। आप भी वहां पर हैं, कितनी देर में काशी विश्वनाथ जो आखिरी पड़ाव है इस रोड शो का, वहां पर ये रोड शो पहुंचेगा, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अनुपम, मैं आपको मैं आपको लगातार बता रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उनका चुनावी रथ बस अब से 10 सेकंड पहले ही विश्वनाथ मंदिर के अंदर एंटर कर चुका है। बिल्कुल 10 सेकंड पहले वो मेरी आंखों के सामने से ही निकले, हमारे कैमरे के सामने से। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि उस चुनावी रथ पर प्रधानमंत्री मोदी सवार थे, उनके हाथ में वो कमल था जो आपने उनके हाथ में देखा होगा। ज्यादातर बीजेपी के नेताओं कमल का वो सिंबल जो अलग से बनाया गया है उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी प्रचार रथ पर रहते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये तीनों ही चुनावी रथ पर सवार अब से 10 सेकंड पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर एंटर चुके हैं। मंदिर वो जगह जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं यहाँ पर जरूर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, और इस बार तो मौका उनके नामांकन का है। तीसरी बार यहाँ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आए थे तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, दूसरी बार जब चुनावी मैदान में फिर यही से ताल ठोकी तो उन्होंने बताया कि बीजेपी जिस गंगा पुत्र की इमेज को लोगों के बीच में बार बार ले जाती है और कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के लिए, गंगा किनारे वालों के लिए वो किया जिसकी कल्पना पूर्व की सरकार में नहीं की जा सकती थी, चाहे काशी कॉरिडोर की बात हो, ज्ञानवापी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, संदेश पूरे देश में पहुंचाया गया, विदेशों में पहुंचाया गया। और आज एक बार फिर से वो नॉमिनेशन से एक दिन पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, जब भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं वो काशी के कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन करने जाते हैं। माना जाता है कि पूर्व में भी जब नामांकन उन्होंने किए थे काल भैरव के यहाँ पर अर्जी जरूर लगाई थी, और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी क्या वैसा ही करते हुए नजर आएंगे। कल यानी मंगलवार का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि माना जाता है पौराणिक जानकारी के मुताबिक कि जो काल भैरव जी का प्रकटीकरण दिवस है वो ही मंगलवार को है, और उसी दिन ही प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी तक की जानकारी के मुताबिक कल एक बार गंगा में फिर से जल भर करके ना सिर्फ यहाँ पर एक बार फिर से पूजा अर्चना अभिषेक करते हुए नजर आ सकते हैं, बल्कि काशी कोतवाल के दरबार में एक बार फिर से अर्जी भी लगाते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल वो विश्वनाथ मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, और बाहर की तस्वीरें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों समेत जिस घड़ी का लोगों बिल्कुल आस्था कुछ लोगों से भी वहाँ पर बात करिए कि नामांकन से एक दिन पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री, कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से, युवा वर्ग के लोगों से जरा बातचीत करिए। चलिए कुछ लोगों से बातचीत की कोशिश करते हैं। आप गदा लेकर पहुंचे हैं, बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए। गदा इसलिए मैं लेके आया हूँ कि लोग जो दुनिया कह रही है 400 पार नहीं होगा, यहाँ 400 क्या 500 के बहुत ज्यादा आगे। आपने तो संसद की सीटों को भी पीछे जनता कह की जाती है, गदे से मारेंगे उसको, गधे से नहीं, काशी की जनता और बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ जो एक बार आया ना, ये बाबा विश्व के नाथ हैं, तो ये जहाँ विश्व में हम लोग हाजिरी लगा दिए वो क्या जाएगा, वो कल्पना से परे है। तो भावनाएं आप लोगों की जुड़ती है प्रधानमंत्री मोदी से? जी भावनाएं जुड़ती है प्रधानमंत्री जी जी पूरी तरह से जुड़ती है। हम राष्ट्र हित और राम हित में दोनों के लिए वोट करेंगे, और इस बार 400 पार होगा। धर्म के लिए हम लोग कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। इस बार 4 तारीख 400 बाबा विश्वनाथ की बहुत बड़ी कृपा रहेगी, ऐतिहासिक जीत जीतेंगे हमारे प्रधानमंत्री। मेरी 10 साल से इच्छा थी मोदी जी को बनारस में देखने की, 10 साल में पहली बार मेरे को ऐसा अवसर मिला। मैं मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा मोदी जी को वोट दिया है, हम देते रहेंगे। पूरे भारत से लोग सर देखने के लिए यहाँ पे आए, काशी में हर जगह से लोग, काशी की जनता की लिए। एक महिला है हमारे बीच में, आप बताइए मैडम, इतनी गर्मी हो रही है, प्रधानमंत्री की झलक मिली कि नहीं? नहीं, झलक तो अभी नहीं मिली है। झलक वो अंदर चले गए मंदिर। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तो बनारस की रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है,
विकास कैसा लग रहा है? काशी का विकास बहुत ज्यादा है, जब से मोदी जी आए हैं हमारे बनारस में काफी डेवलप हुआ है। जी कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर के आए हैं, आइए उनसे जानते हैं वो कौन है। आप तस्वीर लेकर आए मोदी जी? जी जी जी, जी बताइए किसको देना चाहते हैं तस्वीर? ये मोदी जी को। मोदी जी को क्या खासियत है इसमें? ये हमारे हाथ से हम बताते बोलिए बोलिए बोलिए, आप लाइव फिर हम बने ही बोलवा। ये हमारे झगड़िए झगड़िए मत झगड़िए, एक जन पकड़ लीजिए एक जन बता दीजिए। अरे मोदी जी के लिए झगड़ा मत करिए, तो शांति से रहने को कहते हैं। बोलिए, ये हमारे समाज का है, वंशी छत्री कसेरा समाज से है ये। ये हमारे शिल्पकारों से ये बनाया गया है, कामगार वर्ग ने बनाया जी। ये हमने बनाया, आपके हाथों से बनाया? अपने हाथ से बनाया। अच्छा, ये हैंडमेड पेंटिंग है पूरी? जी जी। तो आप प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं? जी, ये मोदी भी है। अच्छा, गमछा भी है? अच्छा, गमछा भी लाए हैं आप मोदी जी जैसा। और ये फूलमाला? और ये फूलमाला? और ये बाबा का प्रसाद? मतलब आप लोगों ने जो अपनी भावनाएं हैं विजयी पटका भी पहना दिया है, विजयी माला भी पहना दी है, चलिए विजयी टोपी भी लगा दी है। मतलब जो भावनाएं हैं, अगर मोदी जी से सच में ना मिल पाए तो उनकी तस्वीरों पर ही वो भावनाएं कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की भावनाएं हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह ये जो जन समर्थन है अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। जबरदस्त सिक्योरिटी है यहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अंदर बाकायदा एक चेन बनाई गई है, उस चेन के उस पार ही ह्यूमन चेन बनाई गई है सिक्योरिटी द्वारा, उसके उस पार ही लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि बहुत से भक्त यहाँ पर। आस्था, मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रही हैं। ये तमाम लोग, इन सब लोग जो काशीवासी हैं, इन्होंने पिछले 10 सालों में काशी को कितना बदलते हुए देखा है। इनसे आप पूछिए कि पहले तंग गलियां होती थी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब कितनी सहूलियत हुई है। अच्छा, काशी की तंग गलियों से परेशान अब कितनी सहूलियत हुई है? बहुत बहुत सारी घटना फिर हुई है। तो सिक्योरिटी ज्यादा रुकने नहीं दे रही यहाँ पर लोगों को, तेजी से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से भर चुकी है लोगों से, और क्योंकि प्रधानमंत्री अभी अंदर है, प्रोटोकॉल पूरी तरीके से लागू है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से ह्यूमन चेन। सौरभ मालवीय हमारे साथ है, मैं आस्था आपके पास आऊंगा। सौरभ जी, प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, इस रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है, या जिस तरीके से काशी के साथ बतौर सांसद ही नहीं बतौर एक शिव भक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव है, वो आप कैसे देखते हैं? अनुपम जी, यह सवाल आपने बहुत माकूल सवाल आपने बड़े सही समय पर उठाया है। ये मेरे भी मन में चल रहा था और दर्शकों के भी मन में चल रहा होगा कि आखिर मोदी की वो जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसके पीछे क्या ऐसा रहस्य है, क्या ऐसी बात है, कौन ऐसी ताकत है जो इनको इतना मेहनत करने के लिए और इस तरह से एनर्जेटिक रखने के लिए और धर्म और आस्था में मूल रूप से इनके मिजाज को उसमें इस तरह से बने रहने का, आखिर क्या तत्व है जो इनको कनेक्ट किया है, जोड़ा है। तो मुझे भी ये लगता है जो आपने प्रश्न किया है कि केवल अच्छे कार्य और अच्छे नामांकन यानी शुभ कार्य करने के लिए जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, मान्यता है कि जब भी हम शुभ कार्य करने जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मोदी के जीवन में, प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में यदि हम देखें तो वो स्वयं से शुरू से प्रारंभ से ही शुरुआती दौर में ही वह प्रकृति प्रेम, भगवान प्रेम, कथा कहना, लिखना, कविताएं रचना और हिमालय में जाने की तमाम बातें उनके बारे में आती है, उनके जीवन के संदर्भ में बातें आती है कि वो एकांतवासी हो गए थे, हिमालय पर चले गए थे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मोदी जी के भीतर वह एक तत्व है, वह एक शक्ति है जो उनको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, आस्था है और जो कनेक्ट किया हुआ है, उसी को उन्होंने अपने इस अवसर पर, जब उनको बनारस में आने का अवसर मिलता है और बनारस के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं 14 में, तब से लगातार जब भी आते हैं गंगा आरती, आप देखिए कितना बड़ा आय का, पर्यटन का और उत्सव का एक नजरिया, एक अवसर बनता है गंगा आरती। हर बार गंगा आरती करना, हर बार दर्शन करना, ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं
कि भारतीय जीवन मूल्य जो है, भारतीय जीवन दर्शन जो है, अध्यात्म जो है, जो मूलभूत तत्व है, भारत का प्राण तत्व है जिसको कहते हैं, उसको मोदी समझते हैं और मोदी उसी को जीते हैं। इसके कारण मोदी जी का ये दर्शन करना जाना और साथ में योगी जैसे मुख्यमंत्री को साथ में रखना और ले जाना, तो कुल मिला के यह एक राजनीतिक संदेश है, एक सांस्कृतिक संदेश है, एक आध्यात्मिक संदेश है और इसके साथ साथ स्वयं का भी उनका एक विश्वास है और एक आस्था का प्रतीक है, जो प्रतीक चिन्हों पर, जो मानवीय मूल्यों के साथ साथ, वैज्ञानिक चिंतन के साथ साथ और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा आस्था कौशिक लगातार ग्राउंड जीरो पर है। आस्था, आपको अगर आवाज आ रही हो तो, क्योंकि आप खुद कई बार काशी गई हैं और ये बदलाव खुद आपने भी महसूस किया होगा कि काशी कितनी बदली है, तो आपको क्या लगता है, आपकी नजर में काशी कितनी बदली है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और अनुपम, इस बारे में हम बीते 3 दिन से ग्राउंड पर हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ है इस वक्त और यहाँ पैर रखने की भी इस वक्त जगह नहीं है कि ये पूरा जो जन समर्थन है ये पूरा इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है और आप जानते हैं कि ये जगह जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। खैर, 3 दिन से हम लोग ग्राउंड पर हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों का यही कहना है कि जब पूर्व में यहाँ पर आते थे तो बनारस का जिक्र जो है वो 2-3 चीजों के लिए होता था। एक तो तारों का जंजाल जो सड़कों के ऊपर है, किसी भी वक्त कोई हादसा हो जाए, पतली गलियां, वहां के गड्ढे और कभी भी वहां पर एक्सीडेंट हो जाए, उन गलियों में गंदगी, सड़कों का चौड़ीकरण ना होना और घाटों पे बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था ना होना, और सबसे महत्वपूर्ण ये ज्योतिर्लिंगों में से एक है, द्वादर ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ की महिमा हर कोई जानता है, भव्य कॉरिडोर बन जाने से, इसकी महिमा और बढ़ जाने से यहाँ पर लोकल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट हुई है, व्यापार एकदम से बढ़ गया है। और अगर आप इस शहर में आए, एक साल के अंतराल पर इस शहर में आएंगे तो आप पाएंगे आने का सिलसिला बढ़ा है, तो एकदम से चीजों के दाम बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है व्यापारियों को बहुत फायदा हो रहा है, जो प्रसाद की दुकानें हैं, फूलों का कारोबार है, इसके अलावा लोग आध्यात्मिक जगह पर आते हैं तो कुछ ना कुछ पूजा से जुड़ी हुई चीज लेकर के जाते हैं, उसकी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, बनारस के जो बुनकर्स हैं उनकी इंडस्ट्री को फायदा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जब लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, और खुद भी आप उनके ड्रेसअप में नोटिस करेंगे कि वो भारत की किसी ना किसी स्टेट के हैंडलूम को खुद भी कैरी करते हैं, और किसी खास एक दिन आप देखेंगे कि तमाम जो मंत्री हैं या खुद प्रधानमंत्री हैं वो भी आपको उसी तरह के गेटअप में नजर आएंगे। लोगों से भी एक पब्लिक अपील सामाजिक रूप से उन्होंने की कि अपने देश के लोकल को प्रमोट किया जाए, तो इससे, इस मुहिम से भी लोगों को फायदा हुआ है। बनारस अब एक ऐसे विकास के मॉडल के तौर पर डेवलप हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो आसपास के बाकी जिले हैं उनकी भी यही मांग है कि बनारस पर विकास हो, विरासत भी विकास भी, यही बीजेपी का मोटो है कि आस्था का सम्मान भी, विरासत भी और उसके साथ साथ विकास भी, तो ये विरासत और विकास का जोड़कर जो मॉडल है किया गया है, अब बनारस को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया, तो बीते 10 सालों में आप अगर उठा करके देखें तो यहाँ पर गलियों की सफाई की व्यवस्था काफी अच्छी है, दिन में 4 बार यहाँ पर गलियों की सफाई होती है, इसके अलावा कई नए घाट बन गए हैं, टूरिस्ट बढ़ गए हैं, काशी कॉरिडोर आ जाने के कारण साउथ इंडिया से लोगों के आने का जो सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ गया है, देश विदेशों से लोगों के आने का सिलसिला बढ़ गया है क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, वंदे भारत यहाँ से कनेक्ट कर दिए, बनारस का एयरपोर्ट भी है, बनारस का रेलवे स्टेशन भी है जो इंटरनेशनल लेवल का है, तो इन तमाम सुविधाओं के होने के बावजूद लोगों के एकदम से आने का जो फुटफॉल है वो कई कई लाख और खास ओकेजन पे करोड़ों में जाता है जिसका लोकल्स को फायदा होता है। तो बीते 10 सालों में बनारस की एक तस्वीर बदली है, अब बात अगले 5 साल की है, तो काशीवासियों को यही उम्मीद है, वो ये मान करके चल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से सांसद बनेंगे लेकिन इस बार और रिकॉर्ड मार्जिन बढ़ेगा, 10 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जिताएंगे, क्या कह रहे हैं आप? 400 पार में। अच्छा, 400 पार, मतलब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 400 पार, क्यों होगा 400 पार? राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है मोदी जी ने ऐसा जो आपको लग रहा है? मैम, बनारस के लिए बहुत किया है, बनारस के लिए बहुत कुछ किया है मैम मोदी जी ने, उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस। बनारस में आप पहले देखते थे तारों का जंजाल था, सड़क पे कहीं भी कूड़ा करकट बहुत सारा कुछ भी था, अब आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए रात में 10-12 बजे लड़कियों के लिए वो मतलब एकदम कुछ कर नहीं है। महादेव का उद्घोष बाहर चल रहा है और अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं।
बताइए इस वक्त काशी विश्वनाथ के अंदर किस प्रकार की पूजा संपन्न कराई। देखिए मैम, आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंदर भगवान काशी विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक जलाभिषेक सब होगा, पूजन होगा। और उसके अंतर्गत अगर हम बताना चाहें कि जनता का क्या मूड है, तो जनता का, काशी की पूरी जनता इस बार, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार के साथ सरकार बनने जा रही है। और विपक्ष जो है 4 जून को पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस बनारस में पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ का विकास कार्य कराया है। क्या क्या कार्य हुए हैं? रोपवे नमो घाट से 80 घाट तक, सारे घाट, एक भी घाट कच्चे नहीं, सारे घाट पक्के हुए। नाविकों को फायदा हुआ इससे? नाविकों को सारी व्यवस्थाएं दी उन्होंने, उनके नाव चलाने के लिए इंजन मशीन, और उसकी पेट्रोल पंप के लिए उनके चार्ज के लिए वो व्यवस्था, और नाविकों को घर आवास, उनके यहाँ नल, हर घर नल जल योजना के तहत सरकारी योजनाएं पहुंची। सरकारी योजनाएं लगभग 90% बनारस में जो लाभार्थी है, उन जो उसके लायक है, उसको दिया गया है। अब बनारस में सड़कों का जाल माननीय मोदी जी ने जो बिछाया है वो अब तक का इतिहास है। इसी की चर्चा हो रही है कि देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जब व्यापक पैमाने पर काम होते हैं तो उम्मीदें, सजेशंस आते हैं, गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन एक जो तस्वीर कहते हैं ना कि एकदम पना पलटा जाए और वो आंखों के सामने दिखे नजर आती है। हर हर महादेव, आप लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और अंदर मोदी जी जो है वो रुद्रा। तीसरे टर्म के लिए क्या अपेक्षाएं आपकी? तीसरे टर्म में यही अपेक्षा है, भारत का विकास होने ही वाला है। इसकी इस एक दो दो टर्म में तो उसका सब विकास का पाया रच गया है आगे से। अरे रे 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 रे, एक मीडिया सर, मीडिया मीडिया सर, मीडिया। तो आस्था कौशिक बता रही है किस तरीके से तमाम लोग जो है वहां पर, सौरभ जी हमारे साथ है, सौरभ जी जिस तरीके से आस्था लोगों से बात कर रही है, लोगों के रिएक्शंस हैं, ये बात तो है कि प्रधानमंत्री ने काशीवासियों के भीतर एक भरोसा पैदा किया है जो आज साफ तौर पर दिख रहा है। सौरभ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आस्था कौशिक के पास चलेंगे, सौरभ जी से संपर्क नहीं हो रहा है। आस्था, एक बात तो साफ है, एक बात तो यहां पर सौरभ जी के पास पहले चलते हैं, एक बार उनसे सवाल कर लें, शायद जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ जी, एक जो भरोसा काशीवासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संसदीय नेता के तौर पर, सांसद के तौर पर जिस तरीके से बनाया है, ये भरोसा बनाना भी इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल अनुपम जी, चूंकि ये सवाल आपका राजनीतिक है और हम लोग राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं, तो इस बात को समझना होगा। एक राजनीतिक उदाहरण से ही अभी देखें तो अमेठी छोड़ के रायबरेली जाना राहुल गांधी, ये बड़ा चुनौती है। एक संसदीय क्षेत्र को में आप चुने जाएं और वहां बने रहें, वहां टिके रहें, और वहां की जनता के शर्तों पर, जनता अपने कार्यों के आधार पर आप वहां बने रहें और लगातार बने रहें, लगातार प्रेम पाए, ये बड़ा चैलेंज है, ये सच्चाई है, इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक बड़ा उदाहरण अभी ये दिखता है। दोनों दूसरी तरफ जिस तरह से बनारस में मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बनारस की जनता के लिए दिया है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, जो आस्था बता रही है, सबसे संवाद कर रही है, बात कर रही है, वो उनके रिपोर्ट कार्ड से साफ दिखता है। ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो काशी विश्वनाथ का गेट दिख रहा है, या 2014 से पहले इतनी संख्या में लोग